नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सीएम नीतीश कुमार ने इसे अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल कर रखा है कि किसी भी सूरत में बिहार में न तो शराब बनने दी जाएगी न ही पीने दी जाएगी। ये बात अलग है कि समय समय पर शिकायतें मिलती रहती है कि खूब शराब की तस्करी हो रही है और शराब पी जा रही है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन पूर्णबंदी पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाई है और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे और उस एक्साइज डिपार्टमेंट पे है जो कि इसे नियंत्रित करता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि यदि पुलिस वाले ही इसमें शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा। सहरसा के सदर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने डांसर के साथ जम के डांस किया, खूब शराब पी, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ। एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए। जैसा कि आपने देखा, लग ही नहीं रहे हैं कि ये थानाध्यक्ष हैं, कैसे शराब पी करके नशे में धुत हो करके कॉल गर्ल के साथ डांस कर रहे हैं। ऐसे ही उसी ज़िले की घटना है, दरोगा उदय शर्मा ने भी ऐसी ही हरकत की थी, उनका भी शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था। एसपी हैं लिपि सिंह, उन्होंने विभागीय जांच कराई और इसमें दोषी पाए जाने पर पहले सस्पेंड किया था और अब दोनों को बर्खास्त कर दिया है। इसकी सिफारिश उन्होंने भेजी थी डीआईजी शिवदीप लांडे को, जिन्होंने बर्खास्त करने का फैसला किया और अब उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।